हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जस्ट 2 मिनट। में इस वीडियो में हम बताएंगे पेटीएम बैंक से कैसे पेटीएम बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को पहले से लास्ट तक ज़रूर देखना। पेटीएम बैंक से अगर आपको अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है या डाउनलोड करना है तो आपको पहले पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद नीचे देखिएगा बैलेंस एंड हिस्ट्री ऑप्शन होगा, जो पासबुक है उस पासबुक में आपको क्लिक करना है। पासबुक क्लिक करने के बाद ऐसा अकाउंट एंड बैलेंस हिस्ट्री आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपका पेटीएम बैलेंस वॉलेट दिखाएगा, पेटीएम पोस्टपेड अगर होगा तो दिखाएगा, यहाँ पेटीएम बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, यहाँ से दूसरा बैंक अगर ऐड किया हो तो यहाँ दिखा सकते हैं। तो आपको पेटीएम बैंक का स्टेटमेंट निकालना है इसलिए पेटीएम बैंक को पहले क्लिक करना है। पेटीएम बैंक क्लिक करने के बाद यहाँ आपका जो पेटीएम पासवर्ड है उसको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको पेटीएम बैंक का सेविंग अकाउंट का आपका बैलेंस दिखाएगा ऊपर में, और पहले नंबर में दिखाएगा ऐड मनी टू सेविंग अकाउंट, दूसरे नंबर में दिखाएगा आपका मनी ट्रांसफर, और तीसरे नंबर में दिखाएगा रिक्वेस्ट स्टेटमेंट। आपको रिक्वेस्ट स्टेटमेंट में आपको क्लिक करना है। रिक्वेस्ट स्टेटमेंट में क्लिक करने के बाद आपको जो अकाउंट स्टेटमेंट होता है उसका पेज खुल जाएगा। पहले ऊपर में है सिलेक्ट टाइम पीरियड, आपको वहां से टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। टाइम पीरियड सेलेक्ट करने के लिए आपको 3-4 ऑप्शन दिखाएगा। पहला ऑप्शन है लास्ट 30 डेज, अगर लास्ट 30 डेज का आप अगर चाहते हैं स्टेटमेंट तो यहाँ से निकाल सकते हैं यहाँ क्लिक करके, और अगर 60 डेज या 90 डेज है तो नीचे दे सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए 1 साल या 2 साल का तो कस्टम डेट में क्लिक करना है। आपको कस्टम क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपका स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना है। यहाँ सोच लीजिए मुझे 2 साल का निकालना है तो यहाँ 2021 से हम 2019 कर देंगे, उसके साथ डन कर देंगे। कस्टम डेट चूज करने के बाद नीचे 2 ऑप्शन मिलेगा, गेट ऑन ईमेल और गेट ऑन SMS। पहला ऑप्शन है गेट ऑन ईमेल, अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक से ईमेल आईडी ऐड किया हुआ है तो यहाँ ईमेल आईडी दिखाएगा, अगर नहीं है तो आपको ईमेल आईडी ऐड करना होगा, वो आप पेटीएम पेमेंट बैंक से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर में गेट ऑन SMS, यहाँ गेट ऑन SMS में SMS करके आप यहाँ से स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड किया हुआ है इसलिए मैंने वहां पे क्लिक करते हैं, ऑप्शन चूज करते हैं पहले नंबर, उसके बाद कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद आपका ईमेल में आप चला जाएगा स्टेटमेंट। 1 मिनट के अंदर आपका रजिस्टर ईमेल आईडी पर आपका स्टेटमेंट आ जाएगा। मेरा 1 मिनट भी नहीं हुआ है, 10 सेकंड के अंदर आ गया स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिखाते हैं। ये मेरा ईमेल पे स्टेटमेंट आ गया, यहाँ पीडीएफ फाइल आया है, यहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपको पेटीएम से आपका स्टेटमेंट निकालना है। अगर मेरा ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।